सर स्वच्छता के लिए आपका विचार क्या है, बस इतना सुनना चाहते हैं। स्वच्छता के लिए विचार, मैं एक्चुअली खुद वेंचर से आता हूँ, तो दिक्कत, पहली दिक्कत तो ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स चला रखे हैं। जैसे अब गवर्नमेंट ने कूड़ा उठाने के लिए जो डस्टबिन कार्स लगाई हुई हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो, गवर्नमेंट उन्हें सैलरी दे रही है, लेकिन फिर भी वो लोकेलिटी में लोगों से पैसे लेते हैं। तो इस वजह से तो लोग डरते हैं कि क्या करते हैं, पास में कोई खाली एरिया है तो खाली प्लॉट है उसमें जाके अपना जो जो भी डस्टबिन है जो भी सब फेंक देते हैं। इस वजह से क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी उन्हें सैलरी दे रही है एम्प्लॉयज को, तो बाहर से क्यों उस चीज़ को ले रहे हैं। एक तो लोग इस वजह से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, दूसरा हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐप्स चला रखे हैं, स्वच्छ भारत ऐप है, अगर आपको लगता है कि आपकी लोकेलिटी में कहीं कोई कूड़ा वगैरह है, गार्बेज है, तो फोटो खींच के ऐप पर क्लिक करके भेज दो, लेकिन आधे से ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, क्योंकि लोग अवेयर नहीं है। तो वो स्वच्छता के प्रति अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो लोगों में। अभी सर ने बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पे कि लोगों को जो भी ऐप्स वगैरह गवर्नमेंट ने दे रखे हैं उनके बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो इनका कहना यही है कि वी मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट काइंड ऑफ इनिशिएटिव जो भी गवर्नमेंट ने चाह रखे हैं, सबसे पहले तो जरूरी है। दूसरा ये है कि अगर हमारे आसपास कहीं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नगर पालिका में किस तरह की कोई दिक्कत है तो उसकी कंप्लेंट बनती है सर, और ये कंप्लेंट आप कर पाएंगे इस बात का भरोसा रखें, और एक दिन कंप्लेंट सुनी भी जाएगी इस बात का भी भरोसा रखें। और जब तक भरोसा, ये आपका कैमरा ऐसा नहीं है कि हम अपने तौर पर कुछ नहीं कर सकते, अपने तौर पर इतना तो कर ही सकते हैं कि जो भी छोटा मोटा हमारे रैपर या दूसरी और चीजें हैं या सिंपल इस तरह की चीजें हैं कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने पॉलिथिन बैग की थी, तो उसके लिए सर आपने क्या स्टेप उठाए थे, आपने ये तरह जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम था या फिर किसी में एसडीएम एडीएम ने ये कहा कि पॉलिथीन शुड बी बैन, तो उसके लिए हमारे युवाओं ने क्या किया था जो आपने आप अपने आसपास देखा हो? मैंने अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखी, जैसे पॉलिथीन बैन किया था तो लोग बैग्स लेकर जाते थे, अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन शॉप्स पर लोग क्या करते थे कि जब लगता था उन्हें कि हाँ कुछ छापा होने वाला है या रेड होने वाली है गवर्नमेंट की तरफ से, तो पॉली बैग्स अंदर रख लिए, और फिर थोड़ा मामला ठंडा सा हुआ तो ये भी दिक्कत है। जैसे एक दिन आज गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव चलाया पॉलिथीन बैन करने का, तो आज तो सारे में रहा कि हाँ नहीं 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 पॉलिथीन नहीं, लेकिन जब दो तीन दिन बाद वो भी लोग क्या करते हैं कि एक दिन गए एक एरिया में, फिर छः महीने तक उस एरिया में गए नहीं चेकिंग के लिए, तो छः महीने तक पॉलिथीन चल रही है, फिर एक दिन बंद हुई, फिर छः महीने चल रही है, फिर एक दिन बंद हुई, तो रेगुलर होना चाहिए। तो रेगुलर के हिसाब से क्या लोग डरते हैं तो फिर उस चीज़ को पर्टिकुलरली बंद ही कर देते हैं, तो ये रेगुलरिटी थोड़ी कम है। इनका कहने का मतलब है सर कि जिस तरह से लोगों को एक बार सिर्फ कानून की भय दिखा करके उनसे ये चीज सख्ताई से मना की जाती है, ये जरूरी नहीं है। और मैं इतना समझता हूँ कि सर दूसरी बात ये है कि अगर मैं बैग कपड़े का लेके जाऊँगा तो शायद जो दुकान वाला है वो मुझे मजबूर नहीं कर सकता कि मैं पॉलिथीन लूँगा, तो सबसे पहले तो हमें सख्त होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि जो चीज़ हमें नुकसान कर रही है। मालूम पड़ा कि हम किसी दुकान से खरीदने सब्जी गए हैं और वो हमें जहर देने लगे तो शायद हम उसे कभी भी नहीं लेंगे, और सीधा है कि ना कहते हुए भी जहर हम खरीद रहे हैं, तो इसके लिए मना करना ज़रूरी है। अगर वो दे भी रहा है तो अगर हम मना करेंगे तो मेरे हिसाब से ये चीजें आगे बढ़ पाएंगी। और सभी स्टूडेंट और जितने भी सुनने वाले हैं, सर की अपील है उनसे यही कि पॉलिथीन हो या दूसरी और चीजें हो जो हमारे लिए, हमारी मानवता, हमारे पर्यावरण के लिए सुरक्षित नहीं है, उन्हें बैन करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद स्वच्छता की बात हमारे साथ में आपके जुड़ने के लिए। आप बुलंदशहर से हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के।